गुड मॉर्निंग गाइस, आज गाँव की पहली सुबह हो चुकी है और अभी मैं जस्ट उठा हूँ थोड़ी देर पहले। और वैसे तो मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन मतलब बिस्तर पे लेटा रहता हूँ वैसे ही, क्योंकि उठ के भी क्या करना है। तो अभी उठा हूँ जस्ट। ओए किधर सो रहा है तू? इधर सो रहा है? किधर सो रहा है? सुस्त कहीं के हैं? कल वो दो कुत्ते आए हैं, बोला जैसे कुछ गया नहीं है। बड़ा दादा बनता है अपने आप को, है वही बड़ा डॉन बनता है। ओए क्या पूछ रहा हूँ तेरे को मैं? जवाब दे मेरे सवाल का जवाब, आंखें खोल के सुन। पूछ रहा हूँ मैं कुछ तेरे से, अपुन तेरे से कुछ पूछ रहा है क्या? भाई से अपुन को इग्नोर नहीं कर सकता तू, जवाब दे अपुन को जवाब। सुबह सुबह यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकल चुकी है और अब थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे गर्मी वाली वाइब्स आ गई है। मतलब गर्मी लग नहीं रही, लेकिन गर्मी में ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह सूरज जल्दी निकल जाता है, तो बस अभी भी वही हो रहा है कि सुबह सुबह सूरज जल्दी निकल गया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अभी चाय हमने पी ली है, अभी हाथ में धोएंगे खाएंगे, बाकी आज थोड़ा चलेंगे परे वाली साइड को। मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव में क्या क्या है, और गांव में तो नहीं जाऊंगा पर परे वाली साइड को जाऊंगा, दूसरी साइड को, अपोजिट जंगल वाली साइड। मुझे खाना खाते हुए क्यूट दिख रहा है यार सबको, क्यूट। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि एक डॉग जो है आवारा, वो फिर से आ रहा है, आता है मतलब यहाँ में ना, पिछले व्लॉग में वो अभी फिर से आ गया, जब भी देखते हैं। और अभी हमारे दोनों कुत्ते हैं फिर से भिड़ंत होने वाली है। ये हमारा डॉगी नीचे और वो आवारा कुत्ता। ये आवारा वाला वाइट वाला कुत्ता बड़ा खराब है ना, वाइट वाला बड़ा ख़राब है ना। ये भोंकता है अपने लिए जिताने के लिए और वो नीचे से एकदम सह जाता है। हाँ बोल भी, क्या बोल रहा है तू? वो देखो बहुत ख़राब है, दूसरे के इलाके में आके हमारा कुत्ता भोंक रहा है। अभी जोश दिखा रहा है, जब सामने आएगा तो डर जाएगा। और वो नीचे लेट गया कि मैं नहीं जा रहा, तुझे जो करना है तो कर ले, जो तेरे से होता है तो कर ले, अपन यहाँ से नहीं जाएगा। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बातों के शेर। ये भी गाँव है और अभी एक गेहूँ की खेती है, सारा गेहूँ गेहूँ लगा हर जगह, पूरा जितना भी दूर तक दिखाई दे रहा है सब गेहूँ गेहूँ लगा। ये रास्ता जो है ये पूर्वजों का रास्ता हुआ करता था, मतलब पहले पहले आया करते जब सड़कें नहीं हुआ करती थी। अब तो खैर ऐसे रास्तों का कोई यूज़ नहीं करता, तो हम भी ऐसे आ गए थे घूमने फिरने। वो एक पहाड़ी है, इसको वैसे कटपोड़े का टिप्पा बोलते हैं हमारी साइड तो, बाकी ये सबसे ऊंचा पीक है। ये भी ऊंचा लग रहा है पर ये सबसे हाईएस्ट पीक है अभी इस टाइम इस एरिया का। तो इस पे सोच रहा हूँ मैं ट्रैकिंग पे जाऊँगा जब टाइम लगेगा। एक दिन लोग सारे जिन्होंने गाय पाली है वो चरने के लिए छोड़ी है। गाय वगैरह वो नीचे रह गई है सब कुछ, और हम इतना ऊपर आ गए, चढ़ गए पैदल और ऊपर जाने। आज अच्छी खासी ट्रैकिंग करा दी इसने मेरी, मज़ा ही आ गया। 35-36 दिनों बाद आज चल रहा हूँ इतना, क्वारंटीन के बाद अब टांगों में दर्द भी होगी हल्की हल्की, होना शुरू हो जाएगी शाम तक पक्का। गर्मी भी लग रही है बट इतने अरसे बाद यहाँ पर आके अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज है। पहाड़ा पर जाना, ऊपर कितनी टाइम लगना, कितना मोर आजा मोर देखिए। सर्चिंग ऑफ पिकॉक है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने बहुत सारे साउंड सुनी थी यहाँ पिकॉक की तलाश करते करते हम लोग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। हैं कहीं पहुँच गए? हाँ हम उस प्लेस से पहुँच चुके हैं जहाँ पे मैंने अगला व्लॉग शूट करना है शाम को। एक बार आप लोग हाइट चेक करें यहाँ से। मोर इंसानों के सामने कम ही आते हैं, है ना, कम ही आते हैं इंसान के सामने मोर वगैरह।
भाग जाते हैं उधर इंसान को देखे। शाम के टाइम ज़्यादा वो होता है कि चांसेस मिलते हैं कि दिख जाते हैं, शाम के टाइम में दिख जाते हैं ऑलमोस्ट ना। तो कुछ ऐसे रास्ते होते हैं गाँव में और छोटे छोटे रास्ते हिमाचल में। और ये खाई देखो, ये रास्ता पैर ओ, और ये खाई नीचे। उनको लग रहा है कि अपन गिर सकता है, अपन गिर गया ना। ओए ओए जो दिखा मोर, वो फाइनली उधर देखो हरा सा उड़ के आया, अभी क्लियर नहीं आ रहा, दूर है वो, देखो ना वो बैठा है, उड़ेगा तो फिर से दिखाऊंगा। सबसे सबसे ज़्यादा बाघ किस साइड होते हैं इस एरिया में, इधर किधर जैसे मतलब इस साइड सबसे ज़्यादा बाघ वगैरह, बाघ होते ज़्यादा कि तेंदुए, तेंदुए मैं सुना तेंदुए भी हूँ अभी। बाघ और तेंदुए से फ़र्क क्या है, भालू तो इसी दिन पहले भालू भी हुआ करते थे काफ़ी ऊपर ऊपर, जो ऊपर ठंडा इलाका है ना ऊपर भालू भी हुआ करते थे। और अभी बाघ है यहाँ पे, तो बाघ यहाँ यहाँ से सारे घूमता रहता है शाम के टाइम, दिन को भी आता है अगर बकरियाँ वगैरह हो तो। कई बार काफ़ी हद तक मैंने सुना भी है, काफ़ी बार सुना है मैंने कि जैसे कि मतलब बकरियाँ वगैरह उठा के ले गया दिन के टाइम ना। ताओ मेरे ताया जी की कज़न है एक, वो भी उनके साथ भी हुआ था एक बार कि वो बकरियाँ चराने आए थे और बाघ आ गया था एकदम से, देन पता नहीं उसने अटैक नहीं किया था शायद उस टाइम, बट वो आया ज़रूर था बकरी उठाने। तो काफ़ी केसेस में सुना है हमने कि वो दिन दिहाड़े भी शिकार करता है, भूख सब कुछ खाते, पापी पेट। ओए ओए, तो अभी इसमें तो घास घुस सूख गया है, तो ये बेसिकली नाली है पानी की, कूल बोलते हैं वैसे तो। तो इसमें होता क्या था कि जब नलके वगैरह नहीं हुआ करते थे गाँव में, तो पानी की सुविधा के लिए बस ऐसे ही बनाई थी जाती थी, तो इसमें पानी सप्लाई आती थी और हर गाँव को ले जाते, तो उन पहाड़ों से होता था ना पानी कूलर ना, तो उधर उन पहाड़ों उत क्या है मतलब कोई क्या हुआ पानी, मैं पहले आऊँ था मतलब क्या था कुछ होती, ओह मोर की बात। तो वहाँ पे उन पहाड़ों से पानी होते हुए इतने जितने भी गांव आते हैं इन पहाड़ों में, तो यहाँ से होते हुए ये जो पटरी सी दिख रही है यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए आगे और पता नहीं काफ़ी दूर तक ये पानी जाया करता था। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पानी के नलके वगैरह नहीं हुआ करते थे, जस्ट यही स्रोत होता था पानी का कि कोई तालाब हो गया, कोई नदी होगी या कुछ ऐसे, मतलब जो पहाड़ों पर मिलता है पानी, पहाड़ों पर तालाब वगैरह से अगर नहीं भी मिलता तो ऐसे मतलब पहाड़ों से चल रहा होता है पानी, जैसे ये पत्थर है ना तो कई बार आपको इससे मिल जाएगा पानी, मतलब ना पत्थर से चलता हुआ पानी, तो वो भी काफ़ी फ्रेश और प्योरीफाइड होता है वो, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है पानी का, काफ़ी जगह मिलता रहता है। बात आती है कि जब आप क्वारंट मतलब जैसे आप हॉटस्पॉट एरिया कहीं बाहर से अपने गांव या घर पे आते हो, तो उसके बाद की फॉर्मेलिटी क्या होती है, तो उसके बाद की फॉर्मेलिटी ये होती है कि पहले आपको अपने गांव के प्रधान या उसके पास बताना पड़ता है कि हम लोग ऐसे ऐसे एरिया से आ चुके हैं, एंड उसका सबका जो प्रूफ देना पड़ता है मेडिकल चेकअप वगैरह की जो स्लिप वगैरह होती है वो बतानी पड़ती है होती, तो ये फॉर्मेलिटी है। तो उसमें लिखा था ना कि 14 दिन का क्वारंटीन होगा, तो फिर जो प्रधान होगा और सेक्रेटरी होगा वो दोनों आएंगे और एक डॉक्टर आएगा, डॉक्टर का तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो प्रधान और सेक्रेटरी आते हैं और अगर पोस्टर लगता है कि इसे इनका सेल्फ क्वारंटीन चल रहा है 14 दिन तक, तो वो 14 दिन तक किसी को टच नहीं करेंगे, बंदे बाहर नहीं जाएंगे घर से, और उसका एक फ़ोटो होगा जो जो पर्सन बाहर से आ रहे हैं तो उनका फ़ोटो होगा, जो जो अभी घर पे, जैसे हम अभी घर पे आए मैं पापा मम्मी, तो हमारा फ़ोटो होगा और वो आगे जैसे वो भेजा जाएगा मतलब कि हाँ ये बंदे घर पे है और सेल्फ क्वारंटीन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो हम उस टाइम नंबर रजिस्टर करवाते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप का आपने सुना होगा, तो वो उस पर ट्रैकिंग पे चला जाता है नंबर, तो ट्रैकिंग पे नंबर चले जाने के बाद होता ये है कि अगर आप 14 दिन तक क्वारंटाइन हो तो मतलब आपने लोकेशन दी है ना कि हम एड्रेस दिया ना कि जैसे मैंने अपने गांव का दिया है, तो होगा ये कि वो 14 दिन तक आपकी लोकेशन ट्रैक करेंगे कि आप सच्ची में उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी एरिया के पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो। अगर आप बाहर जाते हो ना वो इंस्टेंटली आपको कॉल आ जाएगी उस टाइम कि आपका एरिया यहाँ पर है और आप यहाँ पर क्या करो, तो 14 दिन तक आपका नंबर ट्रैक पर रहता है और 14 दिन के बाद आप लोग कहीं पर जा सकते हो ज़्यादा दूर, तो 14 दिन तक आप लोग तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि नंबर आपका ट्रैकिंग पे होगा, जाओगे तो कॉल कर देंगे कैसे ना कैसे का। तो ये दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहले इधर से पानी आता था ना तो अब बंद हो गया, मतलब काफ़ी सदियों का काफ़ी 15-18 साल हो गया पानी नहीं आता ना, क्योंकि अब हर जगह नलके वगैरह हो चुके हैं तो फैसिलिटीज़ काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब जो है पानी आता है इधर से इस पाइप से, जो नीचे नदी है ना तो वहाँ से पानी उठाया जाता है और इस पाइप के ज़रिए ऊपर और फिर आगे जाता है बाकी अदर गाँव की तरफ, या सिंचाई के लिए जिसको यूज़ करते हैं पानी वो जाता है, बाकी पीने का अब नलकों में आ जाता है बढ़िया। अभी धूप का
काफ़ी हो गई और हम घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा भी अच्छा नहीं है धूप में घूमना, ऐसे काफ़ी टाइम बाद आए हैं। लेट्स मूव टू होम। और अभी वो मैंने बताई थी प्रधान वाली बात, तो भी हमारे घर पे प्रधान और गांव का जो प्रधान होता है वो आएगा, और सेक्रेटरी जो होता है वो आएगा, उसके बाद वो पोस्टर लगेगा कि इन लोगों का सेल्फ क्वारंटीन चल रहा है 14 दिन का, ठीक है। वो लगने के बाद उसके बाद हमारा फ़ोटो होगा मेरा, पापा का, मम्मी का, कि हम लोग बाहर से आए हैं, एंड वो लोग आके उसको पहुँचाएंगे कि डैड की ये लोग घर पर पहुँच चुके हैं सही सलामत। तो अभी हम पहुँच चुके थे घर पे, और घर पे जो जैसे कि मैंने बताया था कि गांव के जो प्रधान सर होते हैं आपके वो, और उनके साथ एक सेक्रेटरी आते हैं, तो अभी वो आ चुके हैं। हमारा फ़ोटो होगा और क्वारंटीन का पोस्टर लगेगा, तो उसके लिए हमें पहले अपनी मेडिकल की स्लिप्स दिखानी होगी, जो हमारा स्वारगढ़ पर मेडिकल हुआ था कि जिसपे हम मतलब ये इंक भी जिसकी लगी थी, तो वो मेडिकल अभी दिखाना पड़ेगा, उसके मैं पर्चे ढूंढ रहा हूँ ऐसा ना घूम हो, क्योंकि ज़्यादा तो मेडिकल स्लिप्स वी हैव टू शो दैम। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मतलब गांव पे आते हो आप अगर, तो कैसे आपका ये सेल्फ क्वारंटीन का दिखाया जाता है। तो अभी ये जो पोस्टर है हमें बाहर लगाना है, चिपकाने हैं दीवार पे, दैट कि कोई भी अगर आए तो उनको पता चल जाएगा इनका सेल्फ क्वारंटीन चल रहा है। और ऐसे फोटोज़ वगैरह हुए थे, एंड बाकी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, मेडिकल स्लिप्स हमारी लगी थी, और ये क्वारंटीन का पोस्टर है जो कि होगा अभी दिखाया जाए।